guys, welcome to another amazing episode of Popcorn. मैं हूँ उम्मिया शाहिद और मेरे साथ बैठे हैं राफे with a new hairstyle, which was inspired by me. Hi राफे. Of course उम्मिया. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक. तबीयत ठीक है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक. मेरी तबीयत अच्छा. मेरी तबीयत मैंने अभी पूछी नहीं लेकिन चले ठीक है. Okay. Oh my God, attitude. Well, with new hair comes new attitude. लेकिन without wasting any time. हमारे पहली जो अभी टॉपिक है जो हमारा इट्स ऑन खंडील बलोच. खंडील बलोच की लाइफ पे एक प्ले बन रहा है एंड यू वोंट बिलीव कि खंडील बलोच को कौन प्ले कर रहा है. राफी जी नो दैट सबा खमर इज गोइंग टू बी प्लेइंग खंडील बलोच. इसके बारे में आपको क्या लगता है कि विल सबा बी एबल टू manage that role? I think उम्मिया कंदील बलोच पे जो ड्रामा बन रहा है उसका सवाल पहला ये नहीं है कि सबा कमर कैसा प्ले करेंगे. आई थिंक बहुत अहम क्वेश्चन इसमें ये है कि ये ड्रामा क्यों बन रहा है, क्योंकि अगर आप गौर करें हम ये ड्रामा हमारी एज ए सोसाइटी एक समाज के तौर पे कलेक्टिव के तौर पे हमारे अंदर की जो मुनाफिकत है हमारे अंदर की जो हिपोक्रेसी है उसको सामने लाते हैं. क्योंकि अगर आप गौर करें जब जिस जमाने में कंदील बलोच हयात थी वो अपनी सारी कंट्रोवर्शियल वीडियोस रिलीज करती थी, इंटरनेट पे लोग बात कर रहे होते थे, आप नाई की दुकान पे बैठे होते बात थे, सब उनका मजाक उड़ाते थे उन्हें बिल्कुल. और बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज जो उनके हमेशा यूज हुए चीप, वही जिसपे साहिर लोधी ने इतना शोर किया एंड राइटली सो, ये भी यही था कि जी चीप हरकतें हैं और ये कौन चीप औरत है. और अचानक उस औरत की फॉर सम रीजन एक किलिंग होती है, मतलब मर्डर किलिंग होती है, मर्डर होता है, मतलब उसके एग्जैक्ट मोटिव्स तो अभी तक हमारे सामने नहीं क्लियरली नहीं आए. और हम उसी औरत को जिसको कल तक हम चीप कह रहे थे उसके ऊपर एक पूरा ड्रामा बना देते हैं. मतलब ये किस तरह का कैपिटलिस्ट किस्म का हमारा माइंडसेट है मुझे नहीं समझ आता. मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ. नहीं अफसोस तो आपको हुआ, मुझे पता है मुझे अफसोस इस बात का है दैट हां कि जब कोई इंसान लाइक यू नो उसकी कदर नहीं हुई उसकी एक औरत की ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर की कदर नहीं हुई और जब उनका मर्डर हुआ सो ऑल ऑफ अ सडन शी इज अ हीरो. लेकिन मुझे लगता है राफी की बहुत ज़रूरत है हमें इस प्ले की, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि उनको शायद इसलिए भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ओ शी डाइड, बहुत सैड हुआ, इट वाज सो अपसेटिंग. लेकिन दिस प्ले विल हाईलाइट कि उनकी जिंदगी में और क्या क्या चीजें हुई. बात ये नहीं है, बात तो ये है कि बायोपिक वाली बात में मैं बाद में आता हूँ कि जिंदगी के बारे में क्या चीज वो हाईलाइट कर पाएगी और क्या चीज नहीं कर पाएगी. जिस चीज मुझे गुस्सा आता है ना वो ये होता है कि आप पहले लोगों को उनकी जिंदगी में क्रिटिसाइज कर करके जलील कर करके उनको मार देते हैं और फिर जब उनकी मौत हो जाए फॉर सम एक्सेप उनको उधर से हीरो बना देते हैं बिकॉज दैट हेल्प्स यू. सबको पता है कि कंदील बलोच पे अगर इस वक्त ड्रामा बनेगा वो हिट होगा, उससे नंबर आएंगे, उससे रेटिंग्स आएंगी. तो मुझे अफसोस ये होता है कि जब आप एक जान का इतना पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आप किसी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट ऑन द अदर हैंड जो आप कह रही हैं कि लोगों को उनकी जिंदगी के बारे में पता चलेगा. उन्हें देखिए एक चीज हमें मान लेनी चाहिए, हमें बायोपिक्स बनाना नहीं आते. ठीक है ना, कि अगर आपको लगता है कि इसे देखने से आपको कंदील बलोच की जिंदगी का कोई एक अहम हिस्सा सामने आ जाएगा, कोई एक क्लोज चैप्टर आपके सामने खुल जाए, कोई ऐसा बाप जो हमने पहले नहीं पढ़ा वो आ जाएगा, नहीं आई डोंट थिंक सो. हम लोग ये देखते हैं कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर हमें क्या चीज सूट करती है और हम उसको लेके उसके ऊपर पैक करके पूरी चीज बना लेते हैं. बट आई फील लाइक पेसिमिज्म और नेगेटिविटी और हम लोग एक डार्क रूट पे इस वक्त जा सकते हैं अपनी सोच की बिना. हम हैं एज अ सोसाइटी, हम हैं काफी, आप होंगे, हमारी सोसाइटी कुछ और ही है. ओके अच्छा, पता नहीं कौन सी पाकिस्तान में रहते हैं. हमारी सोसाइटी जो है वो काफी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है. बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट. क्योंकि देखिए होप जो मुझे है इज दैट आई एम हैप्पी, क्योंकि द मोर पीपल नो अबाउट व्हाट हैपेंड टू कंदील द बेटर इट इज फॉर अस. क्योंकि पता है क्या राफी, क्योंकि आई थिंक अब ये कंदील का इतना जबरदस्त एग्जाम्पल अब हमारी पूरी सोसाइटी के ऊपर लाइक यू नो ऐसा बन गया है कि आइंदा अब कोई आई फील कि कंदील बलोच द वे शी वाज ट्रीटेड
अब ऐसा कोई फिर से नहीं कर पाएगा किसी और लड़की या लड़के के साथ। रिफॉर्म्स के लेवल पे बात कर रही है ना कि जी ये क्राइम अवॉइड होगा और लोग सोचेंगे ऑनर के लिए, बात है ना? नहीं, लेकिन इसका उस फिल्म से इस ड्रामे से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जिस चीज के बारे में बात करूँ ना, आपका ओपिनियन बिल्कुल ठीक है कि जितने लोगों को पता चले कि मीडिया के लोगों ने सोशल मीडिया पे बड़ा कहा कि ये अनफेयर चीज है, और इससे पहले शायद ऑनर किलिंग के विक्टिम्स के लिए उतनी आवाज नहीं उठती थी जितनी कंदील बलोच के लिए उठती है। वो एक बिल्कुल गलत चीज थी, वो एक बहुत गैर इंसानी हरकत थी, और हम सब इस पे मुत्तफिक हैं। तो मेरा सवाल का मतलब भी बता दीजिए आप सबको कि हम अग्रीड है उस चीज के ऊपर, वी ऑल एग्री अपॉन कि हाँ यार बिल्कुल वो एक बड़ा सैड फेस था। लेकिन बात यह है ना, उम्मीद हर चीज डिपेंड करेगी कि ये ड्रामा क्या दिखाता है। बिकॉज आप याद रखें कि तारीख जो है ना हिस्ट्री, हिस्ट्री इसलिए नहीं लिखी जाती कि कोई चीज आर्काइव की जाए, हिस्ट्री इसलिए लिखी जाती है कि आने वाले लोगों को क्या कहानी बतानी है। अब हम इस ड्रामे से, जब तक ये ड्रामा नहीं आता हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन सी चंक ऑफ हर लाइफ इज बीइंग डिपिक्टेड। बिल्कुल, देखें तो हमें पता नहीं कि हुमैरा अहमद जैसी सीनियर राइटर इसको सुपरवाइज कर रही है, वो तो नहीं लिख रही लेकिन वो सुपरवाइज कर रही है। इसका मतलब कुछ ढंग का नहीं, देखिए इसका मतलब ये है कि हाँ ड्रामा होगा, उसके अंदर प्रॉबेबली एक्साइटमेंट भी होगी, शायद वो कंदील बलोच की जिंदगी के वो आंसर वो पहलू सामने लाने की कोशिश करें जो पहले नहीं आए। बट राफी, आई फील लाइक सबा कमर को जानते हुए जिस तरह की वो रोल्स एक्सेप्ट करती हैं, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स वो करती हैं, आई डोंट थिंक शी वुड टेक एनीथिंग जो कि सब स्टैंडर्ड हो। नहीं, मैं आपको बात बताऊंगा, अगर सबा कमर से आपकी कभी मुलाकात हो और या आप उनको जाने तो उनकी अपनी पर्सनैलिटी भी बड़ी रेबेलियस किस्म की है कि वो चीजों से एग्री नहीं करती। अभी हम डिस्कस कर रहे थे उस दिन बैठे हुए कि लक्स स्टाइल अवार्ड से उन्होंने वॉकआउट कर दिया था, और उन्होंने कहा था ना कि मैं वॉकआउट किया, उन्होंने कहा था कि मैं लक्स स्टाइल अवार्ड अटेंड ही नहीं करूंगी क्योंकि 12 साल से मुझे किसी ने नहीं पूछा, और अचानक जब मेरा एक इंडियन फिल्म का ट्रेलर आ गया तो सब मुझे पूछना शुरू हो गए। तो वो एक बड़ा ये है कि अपना स्टैंड लेती है, रिबेलियस है, उनको एक थोड़ा सा लैंग्वेज के ऊपर और एक सोसाइटी डिवाइड जो है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, एक क्लास डिवाइड जो है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, वो उसको भी बहुत प्रॉम्प्टली एड्रेस करती आई है हमेशा से। तो ऑब्वियसली सबा कमर अ ग्रेट चॉइस फॉर द रोल, और सरमद खुसड़ उनके भाई प्ले कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक होने वाला है, कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन मैं फिर बताऊंगी, हम बहुत जल्दी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मतलब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन इस प्ले को हम सबको अपने रेडार पे रखना होगा। के नहीं, अब अभी देखें प्ले आएगा ईद पे, अब ईद से पहले बहुत सारे फेजेज हैं इस प्ले का आना, अब इसके अंदर तैमरा कितनी ज्यादा इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, उनको डायरी पे इश्यूज हो गए थे, इस पे इशू हो या ना हो, देयर टू मेनी इफ्स एंड बट्स। अच्छा राफी, अभी बहुत इफ्स और बट्स आपकी बातें हो गई, मेरा मुझे खांसी आ गई है, अब जब तक मैं खांसती हूँ आप अच्छे से कोई अच्छा सा फिल्म रिकमेंडेशन है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो शो देखें। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये शो जब 1991 में खत्म हुआ था, 91-92 में, तो इस शो की जो प्रोटैगनिस्ट है उसने कैमरे में लास्ट टाइम कहा था, आई विल कम बैक आफ्टर 25 ईयर्स, कि मैं 25 साल बाद वापस आऊंगी। और अगले साल ये शो वाकई में वापस आ रहा है अपने सीजन 3 के साथ। तो जितना ये क्रीपी चीज आपको लगती है, मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ट्विन पीक्स का 1 और सीजन 2 जरूर देखें, ताकि जब आपके पास सीजन 3 आए तो आप थॉरली एंजॉय कर सकें। वेल, ट्विन पीक्स तो हम जरूर देखेंगे और ब्रेक भी हम जरूर लेंगे, सो लेट्स टेक अ ब्रेक एंड कम राइट बैक टू पॉपकॉर्न। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पॉपकॉर्न फ्रॉम दिस लिटिल ब्रेक। अब हम सीधा बात करेंगे यासिर हुसैन पे। उन्होंने लेटली एक अवार्ड फंक्शन में जो कि एक बहुत ही अजीब सा जोक किया, जिसके ऊपर जोक करने की गुंजाइश ही नहीं हो सकती। सो राफी, डू यू वांट टू शेड सम लाइट ऑन व्हाट ही सेड, जो चाइल्ड मोलेस्टेशन के ऊपर इन्होंने बोला, लाइक ही वाज एक्चुअली प्रेजेंटिंग द अवार्ड, और उन्होंने कहा कि काश, यू नो, व्हेन ही वाज प्रेजेंटिंग इट टू व्हेन एहसन खान को जब अवार्ड मिल रहा था, तब उसने कहा, उन्होंने कहा मिल रहा था अवार्ड, और उन्होंने बोला कि काश मैं भी बच्चा होता, अगर इतनी, यू नो, लाइक इफ चाइल्ड मोलेस्टर्स आर सो हैंडसम, तो काश। जितनी हिचकिचाहट आपको हो रही है ना, ये दादी के लिए था ये लव्स कहते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है। बिल्कुल, वही ना, उतनी ही हिचकिचाहट हर बाशऊर इंसान, हर सिविलाइज्ड इंसान को होनी चाहिए ऐसी भी कोई भी बात करने में, खास तौर पे हंसी भी आई है इसके ऊपर, इट्स नॉट फनी। और वो देखें, बड़ी वाली बात है कि जब आपको ये शऊर होता है, जब आपको ये एहसास होता है
कि एक तो कुछ ऐसे मजाक होते हैं जो शायद आप अपने बेडरूम में अपने किसी दोस्त के साथ कर लें, आप अपने ड्राइंग रूम में कुछ हेलो अयाल के साथ कर लें, लेकिन बहुत सारी आप ढाबे पे बैठे हैं दोस्तों के साथ आपने कर लिए आपस में। वैसे तो ये मजाक कोई भी मेरिट पे नहीं पूरा उतरता है कि भाई ये चीज इस चीज का जिक्र भी किया जाए। लाइक राफी, हम लोग लाइक मैं और आप, हम लोग अपनी जाती जिंदगी में भी कभी इस बात बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते जो करने का। बिल्कुल। और मुझे जो तकलीफ ये हुई है, चलो जोक तो ये इन्होंने बनाया इस बात का, बट द ऑडियंस पीपल वर लाफिंग, और वो लोग बगैर इस बात को लाइक उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि कितना सीरियस ये मजाक जिन्होंने बनाया इस चीज का। पीपल वर लाफिंग, दे वर जोकिंग, मतलब मुझे तो लोगों पे शर्म आती है कि आप वहां बैठ के इस बारे में आप हंस रहे हो। उनमें पता है बात क्या है, पहली चीज ये कि हमारे यहाँ एक तो वो जमाना नहीं रहा पीटीवी जैसा कि हर किसी की बहुत अच्छी स्क्रीनिंग हो, सामने कौन आ रहा है, माइक किसके हाथ में दिया जा रहा है, पोडियम किसको दिया जा रहा है, होस्ट करने को किसको दिया जा रहा है। यासर हुसैन एक बहुत अच्छे एक्टर है, उन्होंने बहुत अच्छा थिएटर में काम किया, उन्होंने अपनी फिल्में भी लिखी, अब वो अपनी जगह उनका काम है। लेकिन बात ये होती है कि जब एक ऐसा शख्स एक इतने बड़े स्टेज पे ऐसी बात कर ले ना, तो आपको ये एहसास होता है कि यार मे बी इस शख्स को इस चीज का सेंस नहीं है, इस चीज की समझ नहीं है। आप कैसे समझ नहीं है? अब देखिए बात ये कि इतने बड़े लाइक यू नो ये परफॉर्मर हैं। मैं आपको वही कहता हूँ मियां, देखिए शायद वक्त से पहले जब किसी को इतनी लाइमलाइट मिल जाए, मैं फिर कहूँ शायद वक्त से पहले जब आपको इतनी लाइमलाइट मिल जाए तो आप उस लाइमलाइट के तो बहुत फैन हो जाते हैं, आप आदी हो जाते हो सारी अटेंशन की, लेकिन उस अटेंशन के साथ जो जिम्मेदारी आती है उसका शायद आप एहसास नहीं कर पाते, क्योंकि विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल वही, क्योंकि मुझे लगता है कि जरा जल्दी उनको ये सारे फॉर्मेट्स दे दिए गए कि वो आए और इन सब चीजों पे बात करें। और रही बात उन सब लोगों की जो बैठे थे, जो हंसे, मैं तो कहूंगा कि जो लोग हंसे और जो लोग खामोश रहे वो दोनों उतने ही गुनाहगार हैं इस चीज के जितने यासिर हुसैन है। क्योंकि देखिये आपकी लीडिंग इंडस्ट्री वहां बैठी थी, आपके एहसन खान अवार्ड लेने आए, वो इससे पहले इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, उन्होंने अपना अवार्ड भी कुछ बच्चों के साथ, कुछ सफरिंग बच्चों के साथ जाके उन्होंने अपना अवार्ड सेलिब्रेट किया। रे ऑफ होप जो मुझे लगा इस पूरी सिचुएशन में इज दैट पीपल लाइक हदीका, वो लोग सामने आए और उन्होंने आवाज उठाई कि व्हाट इज दिस, ये क्या, ये कहाँ का मजाक है, ये कौन से लोग हंस रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही कि इस इतनी बड़ी बात को उन्होंने मजाक बना दिया है। सो वी नीड मोर पीपल लाइक हदीका टू जस्ट कम आउट एंड बी लाइक नो दिस इज नॉट ओके एंड वी विल नेवर एक्सेप्ट इट। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई एम सॉरी, आपने अपॉलोजी की, व्हाटएवर इट वाज स्लिप ऑफ टंग, जो भी था, वी डू फॉरगिव यू, बट वी कैन नॉट फॉरगेट दिस। नहीं, और ये वार्निंग है तमाम सेलिब्रिटीज जो ये शो देख रहे हैं, जो अपने आप को पब्लिक फिगर कह रहे हैं, खुदा के वास्ते थोड़ा सा एहसास करें, खुदा के वास्ते समझने की कोशिश करें कि आपके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक लफ्ज इधर उधर किसी के ऊपर कितना बुरा असर डाल सकता है, सोसाइटी के ऊपर कितना बुरा असर डाल सकता है। बाय द वे, हम लोग जब भी मुझे लगता है कि वी आर मूविंग टू स्टेप्स फॉरवर्ड, वी आर मेकिंग ब्यूटीफुल फिल्म्स, वी आर टचिंग ऑन ब्यूटीफुल टॉपिक्स, और फिर ऐसा कुछ हो जाता है एंड आई फील कि वी आर बैक टू स्क्वायर वन। नहीं, शर्म नहीं है हमारे अंदर, हमें तमीज नहीं है, हमें बिहेव कैसे करना है, हमें सिर्फ रेड कार्पेट पे आप कपड़े पहना के खड़ा कर दें, वहां पे माइक पकड़ा दें, चार चीजें फेमिनिज्म, फलानेज्म, चार इज्म जिनको कह दें, जो बुनियादी अखलाकियात हैं कि स्टेज पे आपको कैसे बात करनी है, किन चीजों पे बात करनी, किन चीजों पे वो नहीं है, और आप अपने आप को कल्चर इंडस्ट्री कहते हैं, कल्चर। या बट आप इस बात पे हम दोनों थोड़ा सा हंस लेते हैं कि कल्चर जो बनाया हुआ है, आई एम सॉरी, आई एम एक्चुअली वेरी हर्ट अबाउट दिस होल टॉपिक, तो आई थिंक मैं एक ब्रेक लूंगी बिकॉज आई जस्ट वांट टू कूल ऑफ अ लिटिल एंड वी विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस, और अब हम बात करेंगे एक नई हमारी लोकल मूवी आ चुकी है मैदान में राफे, और उसका नाम है मेहरनिसा, we love you। अच्छा, लेकिन इस मूवी में है सना जावेद एंड दानिश तैमूर। आई लव द नेम दानिश, विच इज क्रेजी, सो दिस इज अमेजिंग। अच्छा, तो सबसे पहले हम जल्दी से इसका प्रोमो देखते हैं और उसके मुताबिक हम खूब सारी अच्छी बातें करते हैं या बुरी बातें करते हैं। लेट्स सी एंड डिसाइड।
कैसे पीसे बिना रंग लाए है ना, है तो दुश्वारियां मिलने दो, हालत भी बदलेगी, हालात बदलेंगे, आदत बदलो जरा। बस कुछ मत कहो, इन धड़कनों ने सारी दास्तान सुना दी। जिंदगी में पहली बार बहुत डरा हुआ था अब्बा, क्योंकि आप मेरे साथ नहीं थे। जब मैं कल तेरे साथ नहीं था ना, तब भी तेरे साथ था। सबसे पहले मैं कुछ कहूंगी, चलिए रॉन्ग नंबर आई, यू नो यासिर नवाज की ये दूसरी फिल्म है, बट राफी की टीजर को देखकर मुझे लगा इट्स अ रिप ऑफ ऑफ अ क्लासिक ब्यूटीफुल यशराज फिल्म। उसी के बैनर का इतना आपने ज्यादा इंस्पिरेशन कर लिया है, जैसे लाइक यू नो कौन सी फिल्म, टेक दिलवाले दुल्हनिया का, यू नो का वो जो ब्यूटीफुल बैकग्राउंड, फ्लावर्स, आप ट्रीटमेंट की बात कर रही हैं, फ्लावर्स, वो जो फ्लावर्स, आप ओवरऑल ट्रीटमेंट की बात कर रही हैं कि वैसा वैसा लगा लाइक ट्रीटमेंट की बात, यू नो फिल्म तो आई नहीं है तो ट्रेलर में जो हमें इमेजरी नजर आ रही है, दोज इमेजेस, दोज येलो फ्लावर्स जो डीडीएलजे में और सिलसिला में और यहाँ पे हमें नजर आए थे, मुझे थोड़ा सा ऑलवेज मैं आपसे इत्तेफाक इस चीज पे करूंगा कि हाँ बड़े सिमिलर हैं, लेकिन दो चीजें। क्या? पहली चीज ये कि विजुअली बॉलीवुड की तमाम फिल्में बहुत एक्स्ट्रावेगेंट होती हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं, बहुत ग्रैंड होती हैं। तो अगर आप कोई भी चीज अब ग्रैंड करने की कोशिश करेंगे उन्हीं सब मोटिव्स को, उन्हीं सब एलिमेंट्स को लेके, तो वो जरूरी है कि कोई ना कोई आपको उसके अंदर सिमिलैरिटी नजर आए। बट राफी, इट्स नॉट जस्ट सिमिलैरिटी, it's the way the camera is moving, I feel like the cinematography and the art, matlab jo vibe hai na aapko Bollywood movie ki vibe, ye to wrong number ko bhi bahut sare logon ne Jurma se compare kiya tha, kyunki usme Danish Taimur ke end of it double role tha in a way ki wo ye ek aur bhi play kar rahe the aur ek aur unka, matlab hum shakal wali situation nahi thi but he was playing two different रोल वो प्ले कर रहे थे। लेकिन याद रखें यासिर नवाज हमेशा बहुत ज्यादा बॉलीवुड से इंस्पायर्ड काम करता है, वो तो दिख रहा है बिल्कुल। और you know what, आप बीटीएस देखें इसका अगर कभी, तो वो आया हुआ इसका बीटीएस, उस बीटीएस में लिटरली वो ठुमके भी मार के उसी तरह दिखा रहे हैं एक्ट्रेस को, और खुद सेट के ऊपर बड़े वो एक्टिव हुए हैं। बट राफी, जो मैंने भी बोला राइट दैट इट्स इंस्पायर्ड बाय बॉलीवुड, तो इसमें बुरी बात क्या है? लाइक फिल्म्स लाइक दिल तो पागल है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दीस फिल्म्स आर देखें तो मुझे जो वाहिद चीज मेरे लिए स्टैंड आउट किया, मेरे लिए और मेरे इंसानों की है, वो था गुलजार का वॉइस ओवर। गुलजार का वॉइस ओवर, गुलजार साहब बोलिए आप। अभी मैं तो इतना उस शायर को पढ़ता हूँ कि मेरे लिए एक बड़ी जो है ना इनफॉर्मल सी रिलेशनशिप है, तो मैं कहूँगा गुलजार की शायरी, गुलजार का वॉइस ओवर, और गुलजार ने बहुत एक ऐसे वक्त में, मैं आपको बात बताऊं, एक ऐसे वक्त में ये चीज सामने आ रही है कि गुलजार ने एक पाकिस्तानी फिल्म के लिरिक्स किए, वॉइस ओवर किया, जब दोनों मुल्कों के हालात कशीदा हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी गुड, और मुझे बहुत खुशी हुई कि फाइनली हमने एक ऐसे टैलेंट को लिया इंडिया से जो बहुत ज्यादा थॉरो, जिनका काम है, जिनकी बहुत जबरदस्त बॉडी ऑफ वर्क है, क्योंकि गुलजार का अपना झेलम से ताल्लुक है पाकिस्तान में, तो एक बड़ी इमोशनल वैल्यू पूरी चीज वो उस फिल्म को दे देता है। तो आई एम श्योर बहुत ज्यादा फिल्मी गाने होंगे इसके, गिवन दैट गुलजार ने म्यूजिक, एंड बाय द वे द फैक्ट कि गुलजार साहब ने इसके लिरिक्स दिए, मैं सारे गाने मुझे यू नो आई एम गोइंग टू लिसन टू देम एंड आई माइट एक्चुअली वॉच द मूवी। गुलजार साहब की बात ही खत्म हो गई दिल से ओमकार, मतलब Forget it, too many, too many to count. अच्छा, एक और चीज हमारे पड़ोस में हुई है, like पड़ोस में हुई है, काजोल जो है, you know, we all know काजोल, वो बीफ खाते हुए पकड़ी गई है राफे, but वो कह रही है it's legal buffalo meat, लेकिन सबसे पहले हंसी आ रही है, जल्दी से उनकी वीडियो देख लेते हैं कि वो अपने फ्रेंड के घर जो बफल मीट खा रही थी, लेट्स गो वॉच एंड सी व्हाट हैपेंड। देखा आपने राफे? मुझे वो बात याद आ गई, एक
इंडियन डायरेक्टर हमारे पास आए हुए थे पाकिस्तान में जज कर रहे थे खिलाड़ी 786 के जो डायरेक्टर थे उन्होंने बाद में हाँ उन्होंने बाद में एक वो भी बनाई काबुल है नहीं कौन सी बनाई थी वेलकम टू कराची उन्होंने बाद में बनाई थी तो वो आए हुए थे उन्होंने कहा कि देखें कहीं पे कुछ ब्लैक में बिकता है यहाँ पे कोई और चीज ब्लैक में बिकती है यहाँ छपे हुए क्वेश्चन पेपर्स ब्लैक में बिकते हैं इंडिया में बड़ा गोश्त ब्लैक में बिकता है बफलो मीठी तो खाया है खाया लेकिन बड़ा गोश्त नहीं खाना चाहिए देखिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय हिंदू फ्रेंड्स जितने लोग इस चीज से अबाइड बाय करते हैं इस चीज को फॉलो करते हैं जी कि भाई कि हम काऊ की मीट नहीं खाएंगे हम एक सर्टेन तरह का बड़ा बिल्कुल कितनी वीडियोस आती है हमारी जी किसी बार में फलाने क्रिकेटर पकड़े गए किसी के यहाँ कुछ हुआ वो दोनों साइड में लेकिन काजोल के साथ क्योंकि वो चीज पकड़ी गई और जिस तरह इंडिया ने मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया एंड गाइस जैसे मैंने बोला कि वी रिस्पेक्ट एवरीबॉडी यू नो आई वाज अ वेजिटेरियन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मतलब यू नो वी इट हैपेंस लेकिन हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड दिस इज आवर ओन प्राइवेट मैटर हम क्या खाते हैं हम क्या पहनते हैं हम क्या करते हैं हम कैसी बातें करते हैं व्हाटएवर वी डू ये हमारा पर्सनल मामला है तो प्लीज जैसे कहा ना कि मेरे जब बच्चों की बर्थडे पार्टी होती है कुछ इसमें हर तरह की खाने की चीज बनती है क्योंकि हर तरह के लोग आते हैं हर मकतब फिक्र से लोग आते हैं हर मजहब से लोग आते हैं तो मेरे ख्याल से इंडियन मीडिया एट इट्स बेस्ट हमने चीज को देखा और वो बहुत हिलेरियस तरीके से कैप्चर किया गया कि अब ये नौबत आ गई है कि इंडिया जैसी सेक्युलर कंट्री में आपको इस तरह के डिसीजंस डिफेंड करने पड़ेंगे गाइस अभी मैं एक ही चीज को डिफेंड करूंगी कि मुझे भूख लग रही है और मुझे ब्रेक लेना है एंड आई विल टेक अ ब्रेक एंड आई विल कम राइट बैक बट आई प्रॉमिस आई वोंट ईट ऑन द सेट वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस काफी मेरा पेट भर गया आपने बीफ तो नहीं खाया आपने कोई पर्टिकुलर मीट तो नहीं खाई मैंने कुछ खाया है अच्छा ठीक है सही है कुछ खाया है ओके सो राफी मजाक हमारा हो गया बातें हो गई राफी किस्मत बेग जो है उनका टॉपिक वापस बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट में आ रहा है फिर से आ गया है द होल कंट्रोवर्सी ऑफ द मर्डर और जिस तरह से द पीपल हु डिड दिस बात यह कि किस्मत बेग का जो मर्डर हुआ था तकरीबन 7-8 महीने हो गए उस चीज को जी हो गए और वो बहुत ही लोगों ने कहा था किसी इन्फ्लुएंशियल प्रोड्यूसर ने किया है किसी बहुत पैसे वाली पार्टी ने किया है क्योंकि किस्मत बेग बुनियादी तौर पे एक कमर्शियल थिएटर की एक्टर थी और बहुत बहुत मशहूर परफॉर्मर थी और बहुत उनका काम इन डिमांड भी था उनकी जब किलिंग हुई तो उसके बाद उनकी बहन जो थी सितारा बेग उन्होंने ये कहा था कि मैं अब इसकी किलिंग की के जो केस है पूरा उसको मैं एंड तक ले जाऊंगी मैं किसी तरह की कोई उनकी सेटलमेंट नहीं करूंगी हमारे पास उनकी बाकायदा पूरा बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा था कि मैं उन्होंने किस्मत बेग के जो बच्चे हैं उनको अडॉप्ट कर लिया था और वो लाहौर से बाहर शिफ्ट हो गई थी उन्होंने कहा था कि क्योंकि मुझे प्रोड्यूसर से और थिएटर कम्युनिटी से और जो बिजनेस कम्युनिटी उससे इतने थ्रेट्स आ रहे हैं कि मैं लाहौर में होते हुए इस चीज को फाइट नहीं कर सकती इस सिलसिले में उन्होंने किस्मत बेग अवार्ड भी शुरू किए थे लेकिन अब ये हुआ है उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी कोई सेटलमेंट नहीं करूंगी ये उनका कोट बिल्कुल उन्होंने कहा था मैं कोई सेटलमेंट नहीं करूंगी और हुआ ये इन द एंड ऑफ इट कि अब उन्होंने कह दिया है क्योंकि उनके पास खाने के पैसे नहीं है उनके जो किस्मत बेग के बच्चे उन्होंने अडॉप्ट किए हुए थे उनके पास कोई और तरीका नहीं है पैसे कमाने का और उनको वापस उस इंडस्ट्री में भी जाना है और वापस उन लोगों को फेस भी करना है तो हमें जराए ने जो हमें बताया और जो कि बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन है कि अब वो एक फाइनेंशियल सेटलमेंट कर रही हैं अपनी बहन की मर्डर के ऊपर जिसके बाद वो चार्जेस वापस ले लेंगी और जो भी आपस में इनके टू मेक पीस विद द पीपल हु डिड दिस यस मतलब ये बहुत मेरे लिए इमोशनल टॉपिक है बिकॉज मुझे ये बातें समझ में नहीं आती मैं इन बातों पर कमेंट भी नहीं कर सकती हूँ बिकॉज देखिए उमिया मैं आपको बात बताऊं अभी हम जब यासर हुसैन वाली बात हो रही थी वो तो आप ये कहें कि हमारी इंडस्ट्री का फिर भी टीयर वन है ये जो है ना कमर्शियल थिएटर इंडस्ट्री जिसे आप कहते हैं कमर्शियल थिएटर इंडस्ट्री लाहौर की क्या है ये वो थिएटर इंडस्ट्री है जो अभी तक इस चीज से लड़ रही है कि क्या यहाँ पे मुजरे होते हैं क्या यहाँ पे डांस नंबर्स होते हैं क्या यहाँ पे एक्चुअल कहानियां बताई जाती हैं आज तक जो प्रोड्यूसर है वो अपने आप को इस चीज पे डिफेंड करते हैं कि नहीं जी हम तो मुजरे या डांस ऐसी चीज नहीं करते हम तो जो है ना बिल्कुल एक सीरियस फैमिली
के लिए हम प्लेस करते हैं, लेकिन ये हम सब जानते हैं, मैं खुद एक इस तरह की परफॉर्मेंस में गया हूँ देखने के लिए कि क्या होता है जब वो शो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद कुछ स्पेशल शोज होते हैं स्पेशल लोगों के लिए। अब बात ये है कि जब आप एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा होते हैं ना, और प्रोड्यूसर्स ने आपको ओन किया होता है, प्रोड्यूसर्स कहते हैं आपको इसके इतने पैसे मिलेंगे, इसके इतने पैसे मिलेंगे, तो प्रैक्टिकली प्रोड्यूसर आपका सब कुछ हो जाता है। मतलब आपको पैसे वहाँ से मिलनी है, मिलने हैं आपको, अटेंशन वहाँ से मिलनी है, और ऐसे में जब आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो बहुत कैजुअलिटीज हुई हैं। किस्मत बेग पहली एक्ट्रेस नहीं है, ऐसी बहुत सारी लाहौर में एक्ट्रेसेस रही हैं थिएटर इंडस्ट्री में जिनके इतने मिस्टीरियस मर्डर्स हुए, और अफसोस की बात यह है कोई भी मर्डर सॉल्व नहीं हुआ। Rafi, can we change the topic if please, that's fine please, with you? Please, anything in the fashion industry mein kuch interesting hua recently? Yes, actually, guys, Met Gala, chuki itna bada, like this, you know, this event, chuki yearly hota hai, that has happened. And why it's special for us is kyunki Deepika aur Priyanka Chopra were a big part of it, and they actually stole the show in a big way. Lekin more Priyanka. Priyanka ne jo pehna tha Rafi. Wo jo Sherlock Holmes ka coat pehna tha. Wo Sherlock Holmes ka coat nahi tha. It was a beautiful. Main apne dada ka coat pehn lu to main bhi trench coat. It was such a fire. Wo to main bhi agar ek coat pehn ke aa jaun apne abu ka apne dada ka thoda sa ghel wala coat pehn ke aa jaun. और उसके बाद आप मतलब थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दूं, तीन चार बच्चे पीछे खड़े कर दूं जो उस कोट को लेके आए, तो वुडंट आई लुक एज गुड एज प्रियंका? यू वुड लुक एज गुड एज प्रियंका। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तो इसमें ऐसी बात क्या है? इसमें बात नोटिस बहुत जबरदस्त तरीके से किया, लेकिन ऑन द अदर हैंड जिनसे हम सबको स्पेशली हमारे राफे को इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं, दीपिका was not up to the mark. उनका लुक जो था, not only was it super. ऐसे मुझे ज़्यादा उम्मीद है नरगिस फखरी से, not as much. देखिए राफे का जो दिल है, वो तो नरगिस के अंदर है. Like you know, it's like in like her heart is your heart, your heart is her heart. लेकिन नरगिस was not in Met Gala. So let's not talk about it. Okay, so दीपिका जो थी, उनका जो लुक था, it was extremely simple, understated, जो कि अच्छी बात है. लेकिन it was way too lax. जैसे whatever, I got up and I went to the show, and which is fine, lekin it wasn't suiting her too much. Like, she has a beautiful frame, she has a stunning face, and nothing that she was wearing was complimenting unka jo attitude hai, unka ek persona hai. So she looked very ordinary, which is not a bad thing, but jo unka theme tha was avant-garde. And that means ki aap thoda sa futuristic ho jaye, aap thoda sa, you know, you do something which is a mix of traditional and modern. तो उन्होंने वो थीम को फॉलो नहीं किया, एंड प्रियंका फॉलोड द थीम, सो मेनी अदर्स दे फॉलोड द थीम. तो आई थिंक दीपिका रियली वाज ओवरशैडोड कंप्लीटली बाय प्रियंका, और दिस इज अ गुड थिंग. मतलब यू नो जो जैसा है वैसा है. एंड अच्छा राफी, फैशन की बात हो गई, नाउ दैट वी आर रैपिंग अप द शो, काफी संजीदा हमारा शो आज गया. सो टू सम इट ऑल अप, एक शेर अर्ज कर दीजिए. और इत्तेफाक की बात है कि जो शेर मेरे जहन में था वो भी कुछ अभी जो हम जिन चीज़ों की हमने जिन बारे में हमने तबसरा किया उससे रिलेटेड था. फेसबुक पे ये शेर अभी सर्कुलेट होना शुरू हुआ है जॉन एलिया के नाम से. हालांकि मैंने उनकी चारों किताबें जो पढ़ी हैं जिनमें यानी लेकिन गोया और शायद ये चार उनकी किताबें शामिल हैं, मैंने वो शेर कहीं नहीं देखा. अच्छा, तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि जॉन एलिया का शेर है या नहीं है. शेर सुनिए और फिर इसका मैसेज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू शायर. शेर कुछ ऐसे है कि अपनी गर्दन झुका के बात करो, अपनी गर्दन झुका के बात करो, तुम निकाले गए हो जन्नत से. वाओ, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि तुम ये समझो और ये समझने की कोशिश करो कि आदम को, हजरत आदम को, जो तुम्हारे जो फर्स्ट ह्यूमन है, जो पहले इंसान थे जिनसे तुम्हारी नस्ल निकली, उनको जन्नत से निकाला गया था. तो जो इतना गुरूर है तुम्हारे अंदर, जो इतना चीज़ों पर फ़ख्र करते हो, उन चीज़ों को फ़ख्र करना बंद करो, हम्बलनेस लाओ, ह्यूमिलिटी लाओ अपने अंदर, बी डाउन टू अर्थ, और आजिज़ी में की है हर चीज़ की. तो ये एक बहुत अच्छा शेर था कि अपनी गर्दन झुका के बात करो, तुम निकाले गए हो जन्नत से. फॉर वंस राफे ने कोई अच्छी बात की. For one,
लेकिन यू गाइस हैव टू कम बैक नेक्स्ट वीक टू वॉच अस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. राफी थैंक यू फॉर एवरीथिंग. And let's come back next week and have a wonderful weekend, guys.